लॉजिकल फॉर्मूले में अगला फॉर्मूला हमारा स्विच का है। हम स्विच फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। हमने इफ फॉर्मूले अभी जस्ट इफ फॉर्मूले के बारे में बात किया, इफ और इफ फॉर्मूले की। अब यहाँ पे स्विच फॉर्मूला है, जैसे मेरे पास नंबर्स हैं और इसके बिहाफ पे मुझे रिजल्ट देना है। अगर आप बाकी कहीं पर रखो तो वी लुकअप लगा सकते हो, लेकिन वी लुकअप नहीं लगाना चाहता है। तो अगर आप स्विच ना लगाएं तो आपको कुछ इस तरह से लगाना होगा कि इफ अगर ए इक्वल टू 11 है तो दिल्ली, चाहे शॉर्ट करते डीएल। फिर यहां पे इफ आपने वापस यहां लिया कि अगर ए इक्वल टू 22 है तो एमएच। फिर अगेन इफ इसको सेलेक्ट किया एंड बोला बताया कि इक्वल टू 33 देन केएल। इन्वर्टर कॉमा देना पड़ेगा। फिर इफ अगर ये 55 है, 55 है तो यहां पे आ जाएगा आपका एमडी। तो इस तरह के हमारे नंबर्स, राइट। तो आप देख रहे हैं कि जस्ट नेस्टेड इफ लगा रहे हैं, नेस्टेड इफ लगा रहे हैं ना सर। अब इसी चीज को स्विच में करते हैं। स्विच स्विच में हमने सेलेक्ट किया इसको कॉमा। अब मुझे यहां पे अपनी क्या वैल्यू हो तो क्या आना चाहिए, डीएल। क्या वैल्यू हो तो क्या आना चाहिए, एमएच। क्या वैल्यू हो तो क्या आना चाहिए, केएल। क्या वैल्यू हो इसमें आपको ना अगली फॉर्मूला लगानी है ना इस रेफरेंस को देना है, ठीक है। यहां पे एमडी कॉमा, अगर यहां पे 60 हो तो बीजीएल। एंटरप्राइज कीजिए, रिजल्ट आपके सामने है जी। तो ये आपका स्विच फॉर्मूला का है। ये स्विच फॉर्मूला इस तरह से वर्क करता है, समझ गए जी।